हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू द चैनल टेक मैजेस्टिक। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में 5G को लेके बहुत सारे रूमर्स सामने आते हैं कि 5G इस मंथ में चालू हो जाएगा, या फिर 5G जो कनेक्टिविटी है उसके सिम्स हमें ये अप्रैल में, मई में, या इस साल के क्वार्टर में, क्वार्टर टू में हमें अवेलेबल हो जाएंगी। और कनेक्टिविटी आने से पहले ही इंडिया में काफ़ी सारे 5G स्मार्टफोन्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और ये हमें 5G कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करते हैं फ्यूचर के लिए। अगर बाई चांस आगे चल के 5G इंडिया में आता है तो हम इन स्मार्टफोन की मदद से 5G का यूज़ कर पाएंगे। सो बेसिकली इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए नोकिया ने भी अपने कुछ स्मार्टफोन्स जो लॉन्च करने वाली है उसके बारे में हमें पता चला है और वो एक 5G स्मार्टफोन्स होंगे। सो आज की वीडियो में हम नोकिया के इन्हीं अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये किस स्पेसिफिकेशन के साथ में आने वाले हैं। बेसिकली नोकिया के जितने भी स्मार्टफोन अभी तक लॉन्च हुए हैं उनकी प्राइसिंग उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा हुई है और जिस वजह से नोकिया को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो नोकिया के स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे आते हैं और अभी भी अगर वो प्राइसिंग थोड़ा सा सही हिसाब में रखे तो नोकिया के स्मार्टफोन काफ़ी सही हमें स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो में जानेंगे कि आज हम नोकिया के जो अपकमिंग स्मार्टफोन्स हैं वो किस स्पेसिफिकेशन के साथ में आ रहे हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। चलिए पहले हम बात करते हैं नोकिया की अपकमिंग सीरीज़ के बारे में। तो लिस्ट के हिसाब से नोकिया की 3 सीरीज हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें हमें नोकिया के सी सीरीज, नोकिया की जी सीरीज एंड नोकिया की एक्स सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसमें से दो स्मार्टफोन्स हमारे सामने आ चुके हैं। ये हो गए नोकिया के X10 एंड X20। इनके स्पेसिफिकेशन मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। सो अगर वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही हो या वीडियो अच्छी लगे तो आप अभी हाल के हाल वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहले हम बात करते हैं नोकिया के X10 के बारे में और नोकिया के X20 के बारे में। X10 में हमें एक 6.67 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, वो भी पंच होल डिस्प्ले के साथ में। ओवरऑल पंच होल डिस्प्ले काफ़ी अच्छी होती है और इसमें हमें फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी, यानी कि अगर हम वीडियो इसमें कंजप्ट करते हैं या वीडियो देखते हैं तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमें इसमें देखने को मिलेगा। वहीं साथ में इसमें हमें 6.67 इंच की डिस्प्ले दी गई है तो इसमें हमें वीडियो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इसके कैमरा मॉड्यूल की। तो हमें X10 में एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसमें हमें एक प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और माइक्रो शॉट्स के लिए कैमरा हमें देखने को मिलने वाले हैं। ये तो बात हो गई इसके कैमरा मॉड्यूल की रियर वाले। अब बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा के बारे में। तो इसमें हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। ये बात हो गई इसके कैमरा सेटअप के बारे में। कैमरा के डिपार्टमेंट में नोकिया काफ़ी अच्छा काम करता है और कैमरा जो नोकिया के स्मार्टफोन के होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी बैटरी बैकअप के बारे में। तो इसमें हमें 4407 mAh की बैटरी मिलेगी। ओवरऑल अभी इसकी कोई भी लीक सामने नहीं आई है कि हमें इसमें कितनी वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, मगर हो सकता है कि इसमें हमें 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिले। इस मोबाइल की जो मेन हाईलाइट है वो ये है कि ये हमें 5G कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगी। इसमें हमें स्नैपड्रैगन 480 का एक 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसमें हमें 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट मिलेगी और इसमें हमें एड्रीनो 618 का ग्राफिकल प्रोसेसर देखने को मिलेगा। वैसे तो ये जो प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा है और ये 8 नैनोमीटर पे भी बेस्ड है, इसी वजह से ये बैटरी कंजप्शन के लिए बहुत ही अच्छा होगा, यानी कि हमें ये काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप भी देगा और परफॉर्मेंस भी देखी जाए तो इसमें हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। साथ में इसमें हमें 5G की कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड मिलेगी। सो ओवरऑल जो नोकिया ने X10 को लॉन्च किया है, मतलब अभी इसके स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं वो काफ़ी सही हैं। प्राइसिंग इसके अभी कोई भी सामने नहीं आई है और मैं वीडियो में आपको इसकी प्राइसिंग नहीं बताना चाहता हूँ अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से, वो इस वजह से कि आगे चल के इसकी प्राइसिंग कुछ भी हो सकती है। अब बात करते हैं नोकिया के X20 के बारे में। तो इसमें भी हमें सेम X10 की जैसे 6.67 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी पंच होल स्टाइल में। प्रोसेसर इसमें हमें 480 का स्नैपड्रैगन 480 का 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें इसकी बैटरी की तो इसमें बैटरी हमें सेम X10 की जैसी मिलेगी 4460 mAh की
और कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो इसमें कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिलेगा X10 के मुकाबले। इसमें हमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ में हमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो शॉट्स के लिए कैमरा देखने को मिलेंगे। सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इसकी रैम वेरिएंट इसके प्राइस के अकॉर्डिंग ही रखी जाएगी। सो अगर आपको वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूं। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जैसे ही मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके प्राइसिंग के अकॉर्डिंग मिलेगी या इसके प्राइसिंग के बारे में कुछ भी मिलेगा तो मैं उसको कमेंट में जरूर बता दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।